हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आलू और पोहे से बनी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लिए टिफिन में या छोटी मोटी भूख में कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, जो बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए नाश्ते की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये दो कच्चे आलू ले लिए हैं और इन्हें छील कर ले लिया है। तो हम आलू को ग्रेट करेंगे, तो इसके लिए जो ग्रेटर की मीडियम वाली जाली होती है, इससे हम आलू को ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि हमें आलू के ना तो बहुत ज़्यादा बड़े लच्छे चाहिए और ना ही छोटे। तो मीडियम साइज़ वाली जाली से हम यहाँ पर दोनों आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट किए हुए आलू को हम डाल देंगे एक बाउल में और इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से हम यहाँ पर 3 से 4 पानी से धोएंगे, ताकि आलू में जितना भी स्टार्च है वो सारा स्टार्च निकल जाए। ये देखिए, आलू को मैंने अच्छे से 3-4 पानी से धो लिया है। अब देखिए, आलू का ये पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो इसे रख देंगे फिलहाल साइड में। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी पोहा लिया है, पोहे को छन्नी से अच्छे से छान लिया है, ताकि इसमें जो भी धूल डस्ट वगैरह हो वो सारा निकल जाए। आप यहाँ पर मोटा या बारीक कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। और अब हम पोहे को यहाँ पर पीस लेंगे। तो ये देखिए, पोहे को मैंने पीस लिया है, तो एकदम बारीक इसे नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। जिस तरह से सूजी के दाने होते हैं, इस तरह से इसके हल्के से दाने हाथ पे लगने चाहिए। मैंने गैस पर पैन गरम होने के लिए रख दिया है, तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल जैसे ही हमारा गरम हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच राई और 2 चम्मच सफ़ेद तिल और साथ में 1 चुटकी हींग। सारी चीज़ों को तेल में अच्छे से चटकने देंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है, इसे भी पैन में डाल देंगे और इसे भी यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। अब मैं यहाँ पर पैन में डाल रही हूँ 2 कटोरी पानी। इसी के साथ मैंने इसमें डाला है 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हमने जो आलू के लच्छे किए थे, उन्हें हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और निचोड़ कर यहाँ पर पानी में डाल देंगे। इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे और हम मीडियम फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि आलू के लच्छे हमारे यहाँ पर अच्छे से पक जाएं। तो ये देखिए, इसे पकते हुए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आलू के लच्छे हमारे अब ये पक चुके हैं। तो हमने जो ये पोहा पीस के रखा हुआ था, इसे हम पैन में डाल देंगे और इसी के साथ बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच बेसन के लिए हैं, इसे भी पैन में डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखेंगे और इसे हमें अब तब तक पकाना है जब तक ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो बस 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे पकाने में और ये सारी चीज़ें आसानी से यहाँ पर पककर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, धीरे धीरे इसका पानी ये सूखने लगा है और ये डो की फॉर्म में बनने लगा है। तो इस तरह करछी से दबा लेंगे इसे, ताकि जो बेसन की कोई गुठलियाँ वगैरह पड़ी हों तो वो भी अच्छे से मैश हो जाएँ। इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पैन को अपने आप छोड़ नहीं देता है। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो हफ्ते में 4 से 5 दिन इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो ये देखिए, इसका पूरा पानी सूख गया है और अभी एक डो की तरह बनने लगा है। ये देखिए, एक जगह पर इकट्ठे होने लगा है। तो अब हम गैस को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। यहाँ पर प्लेट में मैंने पहले से तेल लगा के रखा हुआ था, तो अब इस डो को हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे हमें अभी यहाँ पर गरम गरम में ही फैलाना है, तो गरम गरम में इसे फैला लेंगे। तो आप इसे अपनी किसी भी मनपसंद शेप में नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इस डो को यहाँ पर इस तरह से ये चौकोर शेप में फैला लिया है। ये देखिए, इस तरह से करछी से इसके किनारे कर लेंगे, ताकि ये किनारों से एकदम चपटा हो जाए अच्छे से। और इसे यहाँ पर 1/2 इंच की मोटाई के करीब मैंने फैला लिया है। ये देखिए, तो अब इसे ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी ये नाश्ता बनाने की, तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए, नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर कोई पैनी सी चाकू ले लीजिए और उससे इस तरह से इसके पीस काट कर तैयार कर लीजिए। तो आप अपनी किसी भी मनपसंद शेप में इन पीसों को काट सकते हैं। मैंने इस तरह से चौकोर शेप में इन पीसों को काट के तैयार किया है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये नाश्ता इस समय बनकर तैयार हुआ है। आप इस नाश्ते को ऐसे ही बनाकर फ्रिज में रख लीजिए और जब भी आपका मन हो बस निकालिए और इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए, कितने अच्छे से इसके पीस कटे हैं। तो
चलिए अब इसे फ्राई करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इधर मैंने पैन में तेल गर्म होने के लिए भी रख दिया था, तो इन पीस को हम एक एक पीस को लेंगे और इस तरह से पैन में डाल देंगे। तो जितने पीस एक बार में आसानी से आ जाएंगे उतने पीस हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें अच्छे से यहाँ पर फ्राई करना है। और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तो हम इन्हें पलट लेंगे। ये देखिए, बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि जल्दबाजी में हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई नहीं कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर ही ये बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट फ्राई होकर तैयार होते हैं। ये देखिए, ये नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो सारे पीस को हम इस तरह से इस छन्नी के ऊपर निकाल लेते हैं ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा तेल पैन में ही निकल जाए, और बचे हुए नाश्ते को भी हम सेम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, नाश्ते का सेकंड बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए, हमारा गर्मा गर्म कच्चे आलू और पोहे का नाश्ता बनकर तैयार है। मैं आपको एक पीस को तोड़ के भी दिखाती हूँ। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो आप एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।